हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? क्या मैं लाइव हूं, जल्दी से बताओ। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बच्चों बात करने वाले हैं, और टॉपिक है आपका एनिमल किंगडम, जहां से हर एक साल नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत टफ नहीं होते क्वेश्चन। तो आज इसी का बच्चों आज हम लोग क्विज करने वाले हैं, और ये टोटल जो है वो 200 मार्क्स का है, जिसमें आपको 160 प्लस लाने हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उन्हें रेफर कर दें एक बार ये लिंक जल्दी से शेयर कर दें बच्चों, फिर इसके बाद हम ये चीज स्टार्ट करेंगे। क्या मैं लाइव हूं, जल्दी से बता दो। चलो सब कुछ क्लियर है। चलिए बच्चों, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और आप लोग भी अच्छे होंगे। और आखिरी के 100 दिन से भी कम बचे हैं। कल मैंने 90 डेज का आपको टाइम टेबल दे दिया था, मुझे लगता है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने 90 डेज टाइम टेबल को अभी तक नहीं देखा है तो बच्चों जरूर देखिएगा उसे, और इसी अनअकैडमी सैपियंस पे भी है। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज आप देख पा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेशन आज करने वाले हैं एनिमल किंगडम पे, 50 क्वेश्चंस जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, और पास मार्क है बच्चों 160 प्लस। तो आप एक बार नंबरिंग कर लें 50 तक, और बच्चों उसके बाद हम ये सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका बच्चों पास मार्क है, इतने तो मिनिमम आने ही चाहिए। इसमें सब टाइप के वैरायटी आपको मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग मिलेगा, इसके बाद एयर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंगल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और जल्दी से बच्चों आपको आंसर करना है। मैंने आंसर के तरीके आपको पहले ही बता रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरह आप आंसर बताएंगे कि 2 का ए है या बी है, इस तरह आप बताएंगे। ठीक है, 41 बच्चे लाइव आ चुके हैं, और अपने फ्रेंड्स के पास बच्चों जरूरी से शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल मजा आने वाला है आज के सेशन में, 50 क्वेश्चंस। बीच में सेशन को मत छोड़िएगा, बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर ये 50 क्वेश्चंस आपने कर लिया ना तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। आपको बताना है इसमें से किसमें आपको एक भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है जी, जल्दी से बताइएगा किसमें आपको एक भी एक्सेप्शन बच्चों देखने को नहीं मिल रहा है। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइएगा सारे लोग, क्या लग रहा है आपको? एनिमल किंगडम के सवाल हैं तो आंसर आपको मालूम चल गया होगा। जैसे देखिए ना, रेप्टाइलिया है पर जैसे 3 चैम्बर, आपको लग रहा होगा नहीं, क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर होता है, तो ये तो चलो कभी नहीं हो सकता। उसके बाद कॉर्डेटा पे आ जाइए, पॉजेसेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड ए लोअर जॉ। अब देखिए ना साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में कहां होता है बच्चों जॉ? कॉन्ड्रिसाइज की बारी आती है तो बिल्कुल कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन मिलेगा। मैमलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, गलत। आपको ओविपैरस भी तो मिलते हैं ना इसमें, ऑर्निथोरिंकस मिलता है ना प्लैटिपस, तो बच्चों ये तो आंसर कभी जा नहीं सकता है। मिस आप देखिएगा तो आंसर सी में आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि अगर गलतियां होती हैं आपसे मैं वो तो बताता चलूंगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत रहेगी। वैसे आप एनसीईआरटी में सारी चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द 4 ऑफ, क्या क्या एग्जाम्पल है देखिए, स्पंजिला, लेच, डॉल्फिन और पेंग्विन, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं आपके सामने, और आपको बताना है कौन सा इसमें बच्चों करेक्ट है। जल्दी से बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द 4 ऑफ स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन, पेंग्विन इज करेक्ट। जल्दी से बताइएगा। कहती है पहली लाइन के ऑल आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, गलत। आप स्पंजिला को देखिए ना, कहां है ये बायलैटरल सिमेट्रिकल। पेंग्विन इज होमियोथर्मक व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइकैलोथर्मक। आप कह सकते हैं स्पंजिला को पोइकैलोथर्मक, गलत। डॉल्फिन को कह सकते हैं नहीं, ये होमियोथर्मिक होती है। तो आप ओवरऑल देखिएगा तो बच्चों आपका आंसर क्या चला जाएगा, डी, क्योंकि स्पंजिला के पास आपको स्पेशल कॉलर्ड सेल्स मिलते हैं जिन्हें आप क्यूनोसाइट्स कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी समरी में लिखती है बच्चों इसके बारे में, ये क्या होता है,
ये फ्लैजलेटेड होता है, नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री. ये खास फीचर आपको यहाँ पे मिला. ठीक है, लीच इज अ फ्रेश वाटर फ्रॉम वाइल अदर्स आर मेरा. ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों. ठीक है ना, जैसे पेंगुइन की ही बात कर लीजिए. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे. क्वेश्चन नंबर थ्री, ए जॉलेस फिश, आपको उसका नाम बताना है, उसके बारे में कुछ फीचर है जो अंडे देती है इन फ्रेश वाटर में. और एमोसिट लार्वा, लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ लार्वा है. After metamorphosis, return to the ocean. नाम बताइए उस जॉलेस फिश का, उस जॉलेस फिश का नाम क्या है. कई बच्चे बहुत रफ्तार में बता रहे हैं, बहुत बढ़िया. आंसर क्या जाना चाहिए बच्चों, आंसर क्या जाएगा? आंसर बच्चों जाएगा पेट्रोमाइजोन. आंसर क्या जाएगा? पेट्रोमाइजोन जाएगा बच्चों. सिंपल सी तो बात है, पेट्रोमाइजोन. एग्जाम्पल तो आपको यही याद रखना ही है ना. तो अब पूछा जाएगा पेट्रोमाइजोन में कौन सा लार्वा, तो आप कहेंगे एमोसिट लार्वा इसमें होता है मौजूद. तो तीन क्वेश्चन आपने देख लिया. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज सो विविपैरिटी. विविपैरिटी आपको किसमें मिल रहा है? नीट में आया हुआ इकलौता क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में, जो एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है. तो आपको डायरेक्ट एज इट इज ये चीजें याद रखनी है. जहां तक बात होती है बच्चों इंडो पैरासाइट्स की, जनरली अगर बात करें, ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते ही हैं जनरली. कोई भी इंडोपैरासाइट्स जो होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के साथ साथ आपसे पूछी गई है माना कि विविपैरिटी कौन है, विविपैरिटी कौन सो आउट करेगा. तो ये बच्चों विविपैरस होते हैं, ट्रैकनेलिया स्पैरलिस. विविपैरस वो होते हैं ना जिनके यंग वंस डायरेक्ट आ जाते हैं. तो ट्रैकनेलिया स्पैरलिस वही है जो कि विविपैरिटी नेचर सो आउट करते हैं. तो फोर का आंसर क्या चला जाएगा? फोर का आंसर है बच्चों बी है. सिंपल सा सवाल है ना, तो फोर का बी चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, बॉडी हैविंग मेसवर कॉप्सल्स, भरे पड़े हैं, सेल के गुच्छे भरे पड़े हैं, इंटरनल कैविटीज हैं, लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग, फ्लैजलेटेड सेल्स हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम. 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था आपसे, जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा आंसर भाई, क्या जाएगा? बहुत बढ़िया बच्चों, क्या जाएगा? पॉरीफेरा. पॉरीफेरा में भर भर कर सेल्स होते हैं मौजूद, बहुत सारे सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, क्यूनोसाइट्स हैं, अमीबोसाइट हैं, पिनेकोसाइट हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, थेसोसाइट्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, बहुत सारे सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स हैं, कई सारे. तो ये सब बातें किसके बारे में है बच्चों? पॉरीफेरा के बारे में है. बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो. ठीक है, तो ये हो गया. और लास्ट में मुझे बताइएगा अगला चैप्टर आप कौन सा देखना चाहते हैं. कल तो जैसे डीपीपी का सेशन है, उसके बाद किस सेशन के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सा सेशन चाहिए आपको जरूर बताइएगा मुझे. आखिरी में बात करते हैं इसके बारे में, पहले हम 50 क्वेश्चन तो देख लें. आप बताओ जल्दी से आपका पास मार्क कितना है, पासिंग मार्क याद है, पासिंग मार्क याद है, जल्दी से बोलो. भूल गए क्या सब लोग पासिंग मार्क? पासिंग मार्क कितना है? 160 प्लस है बच्चों, 160 प्लस आपको करना ही करना है. आज 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है जिसमें 160 प्लस मार्क्स आपके क्रॉस होने चाहिए इस प्रैक्टिस सेशन में. आपने एनसीईआरटी पढ़ ही रखा होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को करना है आपको. क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी से बताइएगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इजी सा सवाल है, आपसे पूछा गया है बोनी फिशेस के नाम दे रखे हैं और उनके कॉमन नाम के साथ बताना है आपको एग्जाम्पल सही दे रखे हैं या नहीं, ये आपको बस बताना है. चलिए जल्दी से बताइएगा. बीटा है फाइटिंग फिश है, बिल्कुल सही. क्लेरियास है मांगुर बोलते हैं, टीरोफाइलम है एंजल फिश बोलते हैं, तो सारे तो बिल्कुल सही हैं. तो आंसर चला जाएगा डी, मिस ऑल ऑफ द एबव, सारे चीज यहां पर सही दे रखे हैं. चलो भाई ये तो हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर सिक्स देख रहे थे आप, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, एसर्शन रीजन है. थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, बीच बीच में कई सारे एसर्शन रीजन आपको मिलेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है. Assertion और reason. Assertion दे रखा है कि radula is a masticatory and nutritive structure. ठीक है? It is calcareous in nature. Radula के बारे में बोली गई है बातें, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या जाएगा. सोच समझ कर बच्चों बोलेंगे जरा. ये बड़ा सिंपल सा होता है assertion रीजन में, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं बताऊं जरा. देखिए दो तरह की होती है बातें, एक तो assertion और एक reason. Assertion और reason अगर दोनों बिल्कुल सही है तो आप आंसर ए लगाएंगे. उसके बाद अगर एसर्सन जो है और रीजन बिल्कुल सही दे रखा है एसर्सन के लिए, ठीक है ना, एसर्सन बिल्कुल सही दे रखा है, तो आप इसमें लगा देंगे ए लगा देंगे.
बी आप तब लगाएं जब assertion और reason दोनों सही है, लेकिन हाँ correct explanation नहीं दे रहा तो आप बी लगाएंगे। सी में कब में लगाएंगे आप? सी में लगाएंगे आप assertion सही है और reason false होता है, और डी में अगर दोनों चीजें गलत हैं तो आप false लगाएंगे। आप इसमें देखिएगा तो रेडुला इज अ मैस्टिकेटरी न्यूट्रेटिव स्ट्रक्चर, बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है। रेडुला होता है, मानते हैं बातों को, रेडुला एक रेस्पिंग ऑर्गन है, चीजों को अंदर लेने में मदद करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प नहीं करता, एक न्यूट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता ये। कैलकेरियस नेचर का, गलत, कैलकेरियस नेचर का तो होता ही नहीं है। अब आप खुद ही बता दें आंसर क्या जाएगा, जब एसर्शन भी सही हो और जब रीजन भी सही हो तो आंसर क्या जाना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या जाना चाहिए आंसर, आंसर जाना चाहिए बच्चों डी। अभी मैंने बताया जब दोनों गलतियां है ना, बस 5-6 क्वेश्चन मेरे साथ कर लें आप assertion reason, आपको खेल लगेगा assertion reason, तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर बच्चों डी। जब दोनों गलत हो जाएं तो आंसर डी चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट जल्दी से। एक तो दे रखा है बच्चों assertion और एक दे रखा है आपके सामने रीजन, तो आप बताइएगा assertion और रीजन के बारे में। एयर सैक्स इन एब्स आर कनेक्टेड टू लंग्स एंड सप्लीमेंट इन रेस्पिरेशन, पहला स्टेटमेंट assertion में ये रहा, रीजन में इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के एरिया को क्या बढ़ाने का काम करता है ये, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट है ये, तो आपसे सिंपल सा सवाल है। देखिए आपको मालूम होगा बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं ना उसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, अब जब एयर सैक्स प्रेजेंट हैं तो एरिया को तो बढ़ाने का ही काम करेगा ना, तो आंसर क्या चला जाएगा, जब दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा बच्चों ए। कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रही होगी assertion रीजन के रिगार्डिंग, बस वही बातें हैं, तो एट का आंसर क्या चला गया, ए। क्वेश्चन नंबर 9, assertion और रीजन दोनों अच्छे से पढ़िएगा बच्चों जरा। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, एनसीईआरटी की लाइन है। रीजन, रेप्टाइल्स आर ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट, जल्दी से बताइएगा क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, सोच समझ कर बच्चों, जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, दो तीन assertion रीजन है और उसके बाद हम लोग नॉर्मल से क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जल्दी से बताइएगा बच्चों क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों आंसर जो आपको लग रहा है, कई बच्चे सी बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बारी अब जब आती है तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पता चल रहा होगा ये तो स्टेटमेंट सही है ये भी सही है, दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और ये भी तो सोचें अगर ड्राई है अगर कॉर्निफाइड है तभी तो टेरिस्ट्रियल रीजन में आना तय हुआ, अगर मॉइस्ट होती तो फ्रॉग हो जाता, एम्फीबियंस की बात कर रहे थे, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन assertion को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये चला जाएगा बच्चों assertion भी सही है, रीजन भी देखिए ना बिल्कुल सही दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर है बच्चों ए चला जाएगा, ठीक है। तो बस सोचना है थोड़ा, बस ऐसे ही करते हैं assertion रीजन, 4-5 और assertion रीजन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10, सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट है, assertion और रीजन। assertion में स्कोलियोडॉन जिसे डॉगफिश कहा जाता है have to swim constantly to avoid sinking, ठीक है, it does not have air bladder, it does not have air bladder, आपको मालूम होगा कॉन्ड्रिस्थाइस की बातें की जा रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉन्ड्रिस्थाइस की बातें की जा रही हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर ए चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना, तो 10 का आंसर क्या है, ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, assertion और reason, assertion में देखिए endoskeleton of struthio is fully ossified, reason it is flightless bird, सिंपल से बताइएगा बच्चों जरा सोच समझ कर, endoskeleton of struthio is fully ossified, struthio के बारे में जिक्र करते हैं थोड़ा evolution के regarding बात करते हैं, ossified का जिक्र करते हैं बच्चों, मिस बोन से रिलेटेड ये टर्म होंगी, ठीक है, इंडोस्केल्टन ऑफ अस्ट्रूथियो इज फुल्ली ओसिफाइड, रीजन इट इज फ्लाइटलेस बर्ड, बच्चों ये जो इवोल्यूशन चल रही है ना ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये इवोल्यूशन जो है वो रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, आप सोचिए ना
वर्ड्स थी, उड़ना ही इनका तो मेन मकसद था। अब जब उड़ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या इवोल्यूशन पीछे की तरफ आ रही है? तो क्या ये रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया? आपको स्टेटमेंट दोनों सही मिल रही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल पा रहा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है बच्चों, रीजन जो है बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या जाना चाहिए? जब दोनों सही, रीजन ही गलत हो जाए तो आंसर क्या चला जाए? आंसर बी चला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक देख रहे थे आप। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है। देखिए जरा और महसूस कीजिए एनसीईआरटी में कहां ये लाइनें लिख रखी हैं। याद कीजिए, मैमल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट एटसेट्रा। रीजन, द लिंब ऑफ मैमल्स आर एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग और स्विमिंग। ये आपका रीजन दे रखा है, क्या रीजन आपको सही लगता है? क्या रीजन आपको सही लगता है? रीजन, रीजन जब देखिएगा तो रीजन और एसर्शन में कोई मतलब नहीं रह जाता। आपसे एसर्शन में पूछा गया है कि मैमल्स हैं, सब जगह होते हैं इस दुनिया में। क्या मैमल्स इसलिए सब जगह होते हैं क्योंकि वो चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ पा रहे हैं, अंदर बिल बना दे रहे हैं और तैर पा रहे हैं? गलत है ना बच्चों ये, तो स्टेटमेंट बी चला जाएगा। समझ गए? क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये मानो इधर डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, स्टेटमेंट सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, एनसीईआरटी की लिखी हुई स्टेटमेंट है। एसर्शन रीजन इसलिए एम्स में पूछे जाते थे और एग्जाम की टफनेस बरकरार थी, अब तो खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 एसर्शन रीजन, ये तो पक्का कर दोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्टली मैमल्स आर विविपैरस, ठीक है। Mammals having milk producing glands, reason ये आपसे दे रखा है, ठीक है। Mostly mammals are viviparous, reason है mammals having milk producing gland, mammals having milk producing gland, जल्दी से बताइएगा क्या लग रहा है इसमें? तो देखो साफ बच्चे बता पा रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर क्या जाएगा? बी। दोनों स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात है, एक इधर जा रहे हो तुम इधर जा रहे हो रीजन, assertion कहीं और जा रहा है तो रीजन कहीं और जा रहा है, तो आंसर क्या चला गया? बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बैलेनोग्लॉसस, नाम सुना होगा आपने, ब्रैंकियोस्टोमा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। रीजन में बताई गई हैं, बोथ आर एक्सक्लूसिवली मेराइन हैविंग नोटोकॉर्ड, हैविंग नोटोकॉर्ड, बोथ आर एक्सक्लूसिवली मेराइन हैविंग नोटोकॉर्ड। सोच समझ कर कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा। आप देखिएगा तो चलो ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है, लेकिन आप सोचिए ना, बैलेनोग्लॉसस की बात की जा रही है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है इससे, लेकिन हैविंग नोटोकॉर्ड, गलत। नोटोकॉर्ड कहाँ होता, वो तो स्टोमोकॉर्ड कहते हैं ना, तो आंसर क्या चला जाएगा? सी। जब एसर्शन सही हो और रीजन गलत हो तो आंसर क्या चला जाएगा? सी। जब दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए। जब दोनों सही, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो बी। जब एसर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आंसर सी। जब आपको एसर्शन ही गलत मिल जाए तो आंसर डायरेक्ट कह देना डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एसर्शन देखिए और नीचे रीजन देखिए। एसर्शन में टेपवर्म, राउंडवर्म, पिनवर्म आर इंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, मानते हैं बातों को। इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड इज द सोर्स ऑफ ऑल इंटेस्टिनल इंफेक्शंस। बताइए बच्चों जरा जल्दी से, आपको जो लग रहा है क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए नीट में बहुत कम चांसेस है, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं क्या नीट में सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, चांसेस बहुत कम है बच्चों एआर टाइप वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर होता ऐसा तो नीट एनटीए पहले ही हमें अनाउंस कर देती, लेकिन एनटीए से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है इस बारे में, और अब आ भी नहीं सकते, एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। चलिए तो आंसर क्या चला जाएगा? सी। आप खुद ही सोचिए ना, पहला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है लेकिन दूसरा तो गलत है, कैसे गलत है भाई? क्या राउंडवर्म खाना से आता है? क्या राउंडवर्म जो खाना खाते हैं उससे आता है? ये जो ये बिना पका हुआ खाना होता है क्या उससे आता है? गलत बात है। राउंड वर्म्स के जो अंडे होते हैं भले ही खाने से आते हैं, लेकिन अगर उन्हें इम्प्रोपरली कुक्ड कर दें तो इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। आंसर है बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आज का ये आखिरी एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको जल्दी से बताना है कि क्या सारे के सारे ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल्स आर नॉट सिलोमेट, एनिमल्स विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर डिप्लोब्लास्टिक। क्या आपको ये बातें सही लगती हैं? क्या आपको ये बातें सही लगती हैं? All triploblastic animals are coelomate. अगर ऐसा कहते तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन all triploblastic animals are coelomate ऐसा भी गलत हो जाता क्योंकि acoelomate भी होती हैं। तो all triploblastic animals are not coelomate, ये तो गलत statement हो गया ना। तो क्या चला जाएगा बच्चों आंसर? जब पहला ही गलत है तो आंसर क्या जाना चाहिए? पहला आंसर देखते ही क्या बता दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर चला जाएगा बच्चों डी। इजी सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन आ गए हैं। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स इज, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स इज, क्या जाएगा आंसर? डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? सारे कॉर्डेट्स की अगर मैं बात कहूं तो उसमें सबसे अलग फीचर आपको क्या मिलता है? सबसे अलग फीचर आपको बताना है क्या मिलता है। आप देखते के साथ ही कह रहे होंगे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, नहीं सब में लगभग मिलता है। वाटर वैस्कुलर, नहीं। वेंट्रली प्लेस नर्व कॉर्ड, नहीं। नोटोकॉर्ड का होना ये बड़ा खास कैरेक्टर होता है। इलास्टिक रड का होना, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है क्या कहोगे? तो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है ये नोटोकॉर्ड, ये बातें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। Characteristics of birds is, birds का characteristic क्या लग रहा है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बर्ड्स के फीचर और कहीं ना कहीं मैमल्स के फीचर आपस में मिलते जुलते हैं, तो बताना है आपको बर्ड्स कैसे होते हैं और क्या इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है? जल्दी से बच्चों बताइएगा आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल बच्चों, बर्ड्स में अगर बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है ना, बर्ड्स में अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो होगा, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा तो यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, यूनिसेक्सुअल हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, एब्सेंट वाले तो कभी नहीं होंगे, बात आती है ये, बाइसेक्सुअल तो हो नहीं सकते। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों सी। ठीक है, आपको बच्चों टोटल आज मैं 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और 18th नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं और टोटल 200 नंबर का ये टेस्ट है जिसमें आपको 160 प्लस मार्क्स लाने हैं। देखते हैं आखिर में कितने बच्चों का आ पाता है, ये मिनिमम पास मार्क है। क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्डेट पजेसेस, कॉर्डेट के पास क्या क्या चीजें होती हैं? कॉर्डेट पजेसेस, कॉर्डेट के पास क्या क्या होगा और आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्डेट पजेसेस, क्या क्या होगा कॉर्डेट में? कॉर्डेट में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, डॉर्सल हॉल नर्व कॉर्ड की बात करते हैं, प्लेस डॉर्सल टू गट, गलत, ये तो बात नहीं मिल जाएगी। आपसे सिंपल सी बात पूछी जा रही है तो आप देखिए ना, यहाँ सिंपल सी बातें हैं, सिंगल होता है ना, हॉलो होता है ना नर्व कॉर्ड, अब प्लेस डॉर्सल टू द गट। अब पहली चीज में क्या गलत है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है वो बिल्कुल सही तो है, प्लेस डॉर्सल टू कर डॉर्सल टू गट। तो बच्चों ये जो होती है ना, तो ये इससे भी मोर करेक्ट आपको बी लग रहा है। ये क्वेश्चन देने का मेरा मतलब यही था, जब दो क्वेश्चन एक ही जैसा हो और आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको आंसर वो करना है जो ज्यादा करेक्ट होगा, मोर एप्रोप्रिएट होगा। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों बी चला जाएगा आंसर, आपको ज्यादा करेक्ट वही मिल रहा है। ठीक है, डॉर्सल सिंगल है, हॉलो है, नर्व कॉर्ड है, प्लेस डॉर्सल टू गट, तो आंसर चला गया बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात की गई है, तो बताइए जरा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर किसमें मिलेगा? मिस कहीं ना कहीं आपसे पूछी गई है होम्योथर्मिक के बारे में, मिस वार्म ब्लडेड नेचर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइएगा सारे लोग, बहुत अच्छा, देखते कि साथ ही बता दोगे आप कि चलो ठीक है एप्स भी है, मैमल्स भी है, रेप्टाइल्स, नहीं एप्स से चलो सही है लेकिन ये गलत, पीसेस गलत,
तो ये भी तो नहीं आएगा, एप्स होते हैं मैमल्स भी होते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर जाएगा डी। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और गलतियां हो बैठती हैं। लेकिन आपने एनसीईआरटी की देखो इस चैप्टर की बात करें बच्चों अगर एनिमल किंगडम की, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन नीट 2020 में आने वाले हैं और इसमें लगभग 100+ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में है ना आप उसे पहले कर लें, अगर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो और आप बुक रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वक्त नहीं है आपके पास तो एनसीईआरटी ही कवर करें आप। सोचिए ना 98 डेज है आपके पास और चैप्टर भी तो 98 चैप्टर्स है ना, वक्त को काफी कम है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर टोटल 98 चैप्टर्स हुए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड एनिमल्स विद देयर कॉमन नेम, विद देयर कॉमन नेम। जल्दी से बताना है, आपको बिल्कुल थोड़ा अलग ही लग रहा होगा कोई तो उसको देखकर बताइएगा जरा आंसर क्या जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड एनिमल्स विद देयर कॉमन नेम्स, क्या लगता है? ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार बिल्कुल सही है, एनसेक्लोस्ट्रोमा हुकवर्म, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन, मिंड्रीना ब्रेन कोरल होता है ना, यहाँ पर स्टैग हॉर्न कोरल है, गलत। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों डी। तो सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू कार्टिलेजिनियस फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस, इसके रिगार्डिंग पूछा गया कौन सा पेयर करेक्ट है। अगर आपको एग्जांपल याद होंगे आप आराम से कर सकते हैं चीजों को। एग्जांपल बताइएगा बच्चों जरा, एग्जांपल बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको सही लग रहा होगा कि हाँ भाई लैबियो कैटला गलत, कार्टिलेजिनियस पूछा है, प्रिस्टेस सॉफिस कैरकेरेडॉन ग्रेट व्हाइट सॉर्क, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा प्रिस्टेस। आप सोच रहे होंगे ये अस्कुलियोडॉन, टेरोफाइलम तो अलग चला गया ना बच्चों, एंजल फेस जो कि ऑस्टिसाइज में आ जाएगा, ये गलत, कैटला भी गलत, ठीक है। इसके बाद पेट्रोमाइजन मिक्स ने तो पहले की कहानी है, तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर जाएगा सी प्रिस्टीस और कैर कैराडॉन। 22 आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें से चूज कीजिए सही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन लग रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन लग रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है बच्चों, इनकरेक्ट सोच समझ कर बताइएगा, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, आप कर पाएंगे आंसर, मुझे पूरा विश्वास है। आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, देखिए ना वो लाइन, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट्स, ये तो गलत दे रखा है ना। आप पूरा पढ़िएगा, 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में, बिल्कुल सही, बोनिफिसेस में 4, बिल्कुल सही। अगर इसमें बात करते हैं रेप्टाइल्स पोइकेलोथर्मिक होते हैं, तो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट ये कहना गलत था, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट कहते तो कुछ और बात होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने, एग्जांपल के साथ आपको मैचिंग सेट बताना है, जल्दी से कीजिएगा बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई क्या जाएगा आंसर, क्या लग रहा है? कई बच्चे ही लगा रहे हैं, कई बी कई सी कई डी, चलो देखते हैं भाई। मैचिंग सेट पूछा गया क्लास और इसके एग्जांपल देखिए जरा, मैमलिया की बात करते हैं तो मैमलिया में तो बातें सही लग रही हैं, लेकिन पेंगुइन कहां से आ गया है, एप्टेनोडाइट्स ये तो नहीं हो सकता, रेप्टाइलिया की बात करते हैं, न्यूफ्रॉन वल्चर कहां से आ गया ये तो नहीं हो सकता, एम्फीबिया की बात कीजिए तो एम्फीबिया में रैना है, रैना टिग्रेस, इक्थियोपिस है, क्रोकोडाइलस कहां से आ गया, क्लेरियास मांगूर है, टेरोफाइलम की अगर बात करते हैं एंजल फिश, कैटला कैटला सही है, आंसर है डी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं बच्चों गलत दे रखी हैं ऊपर में ऑप्शन में, तो चलते हैं आंसर है आपका डी।
यहां तक क्लियर होगा सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज कॉमन अबाउट कॉर्वस, कोलंबा, कैमेलस और एलिफास। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चंस किया है आपके लिए सेट। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, कॉर्वस, कोलंबा, कैमेलस और एलिफास। क्वेश्चन नंबर 25, आप जब देखिएगा इसके बारे में तो आपको साफ लग जाएगा बच्चों कि जैसे विविपैरस सब तो नहीं होते, क्योंकि कोलंबा है पीजन तो विविपैरस कभी नहीं हो सकता। इसके बाद अगर बात करें, दे आर होम्योथॉमस एनिमल्स हैविंग 12 पेयर होते हैं, बिल्कुल सही है। और बाकी क्रॉप और गिजार्ड की बात तो एप्स तक ही कीजिए, और डाइकोंडाइलिक तो सब नहीं होता क्योंकि मोनोकोंडाइलिक भी है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा बच्चों बी। ठीक है, आंसर चला गया बी चला गया। तो हमारा 50% बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चंस। टोटल मेरे पास 50 क्वेश्चन है जिसमें 25 तो कंप्लीट कर लिया आपने, और अभी बाकी है बच्चों 25। ठीक है, 200 नंबर का आज ये टेस्ट है और इसमें आपने 100 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो जो बच्चे अभी नए आए हैं वो लाइक कीजिए बच्चों जरा जल्दी से। सी कैसे होगा जितेंद्र, क्रॉप और गिजार्ड की बात करते हैं, कभी देखे हो हाथी में क्रॉप और गिजार्ड की बात, बोलो जरा। कॉकरोच होती तो कुछ और बात होती। ठीक है बच्चों, अगर अभी पहली बार आप आए हैं तो लाइक कीजिए जरा वीडियो को, लाइक कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक्स बढ़ते चले जाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता चला जाता है। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और आज रात 8 बजे स्पेशल क्लास जो अकेडमी पे चलती है उसमें इको सिस्टम बच्चों स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास एप्स। जल्दी ज्वाइन करते ही लाइक कर देते हैं कई लोग, बहुत अच्छा नो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 इजी सा सवाल है, आपको कौन सा नॉट टिपिकल कैरेक्टर ऑफ द एप्स। ठीक है, आपको साफ लग रहा होगा कि सारी बातें चलो ठीक है भाई, जब क्वेश्चन आया ना तो एक नजर में सारा ऑप्शन देख लीजिए। हॉलो विथ एयर कैविटी सही है ना, ओविपैरस डायरेक्ट डेवलपमेंट सही है ना, एयर सैक्स तो कई बार बात कर ही रहे हैं शुरू से ही। अरे एवियन स्किन मॉइस्ट, गलत, मॉइस्ट तो नहीं होता, ये तो फीचर एम्फीबियंस के बारे में है, फ्रॉग का फीचर है, उसके स्किन मॉइस्ट होते हैं। मैमिलियन स्किन क्यों नहीं रिस्पिरेशन करते, क्योंकि स्किन हमारा मॉइस्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर है डी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज ट्रू फॉर रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया के बारे में कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, एनसीईआरटी की साफ बात लिखी हुई है, जल्दी से बताइएगा बच्चों जरा। क्वेश्चन नंबर 27, सारे ऑप्शन जरूर देखिएगा, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर देखिए बच्चों, आंसर क्या जाएगा, क्या लगा रहे हैं आप आंसर, अगर आप लगा रहे हैं डी तो आप बिल्कुल सही हैं। पूछा गया है आपसे व्हाट इज ट्रू फॉर रेप्टाइलिया, तो रेप्टाइलिया में स्नेक्स और लिजार्ड्स जो होते हैं स्किन कास्ट से अपने स्केल्स को निकालने का काम करते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 28, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स कौन सा कैरेक्टर शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ, क्योंकि पहले अगर बात करें तो हेमीकॉर्डेट को रखा जाता था पहले कॉर्डेट्स के साथ ही, लेकिन बीच में कुछ चीजें आ गई जिनके कारण उनको हटा दिया गया यहां से। तो आपको डायरेक्ट ये फीचर्स याद रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो हेमीकॉर्डेट में भी है और प्लस कॉर्डेट में भी है, तो आप देखिएगा गिल स्लिट्स जो है वो दोनों में है, क्योंकि कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स आना शुरुआत हुआ था और वो चीज हेमीकॉर्डेटा में पहले ही आ चुकी थी। तो आंसर क्या चला जाएगा, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। क्वेश्चन नंबर 29, डायरेक्ट आपको बताना है
उस मेराइन कार्टिलेजिनियस फिश के बारे में जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है उसका नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल, जैसे प्रिस्टिस है तो क्या बोलते हैं? सॉ फिश, गलत है। ट्राइगोन को स्टिंगरे बोलते हैं, अस्कोलियोडॉन को डॉग फिश बोलते हैं, टोरपेडो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं ना, तो आंसर चला जाएगा बी, टोरपेडो, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, यहां तक बहुत इजी सवाल है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल इन एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज की बात की गई है, तो दो तरह के होते हैं ना, एक तो यूरोकॉर्डेट होता है और एक सेफेलोकॉर्डेट होता है। तो आप कहीं ना कहीं सेफेलोकॉर्डेट अगर पहचानते हो तो आंसर कर दोगे। देखिए, जैसे ये सब यूरोकॉर्डेट की एग्जांपल हैं, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ये सेफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल है। तो क्या चला जाएगा आंसर? आंसर डी। एनसीईआरटी में बहुत ही खूबसूरत लाइनों में जिक्र है बच्चों इनका। ठीक है, आपको अगले क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। विच अमंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स के बारे में आपको देखना है, एक्वेटिक मैमल्स आपको कौन लग रहा है? सिंपल से एग्जांपल बच्चों, देखते के साथ ही कर दोगे, देखते के साथ ही कर दोगे, क्या जाएगा आंसर? देखो ना, सबसे शुरू से देखते हैं, एक्वेटिक मैमल्स की बात कर रहे, अभी तो जैसे सिल्स है सही है, डॉल्फिन भी है सही है, ट्राइगोन नहीं होता ना, क्योंकि ट्राइगोन तो एग्जांपल है कॉन्ड्रिस्थाइज का, तो ये तो नहीं होगा। ट्राइगोन वाले छाट दो बच्चों, पहले अलग से कर दो ट्राइगोन वाले। अब बचे कौन? वेल है, डॉल्फिन है, सील है, ये तो सही है। शार्क तो ग्रेट वही होता है ना, कैरकेरडॉन, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी बात है कॉन्ड्रिस्थाइज के बारे में। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर है बच्चों बी, सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द हॉर्स रिप्रेजेंट्स ऑर्डर। ऑर्डर आपसे पूछा गया है, हॉर्स का ऑर्डर क्या है? ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप आंसर कर पाइएगा बच्चों। बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है, थोड़ी सी दिमाग लगानी है बस। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, साथ में हॉर्स फ्लाई है। ठीक है, हॉर्स फ्लाई का क्या होता है ऑर्डर, ये बताओ। हॉर्स फ्लाई का ऑर्डर क्या होता है? डिप्टेरा। तो उसी तरह हॉर्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसके अंत में ए लगा हुआ है? तो देखो ना, किसके अंत में ए लगा हुआ है, तो इसके अंत में, तो पेरिसोडेक्टाइला। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सारे लोग बोल रहे थे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में इस तरह की एग्जाम्पल तो दे रखे है ना, जैसे हॉर्स फ्लाई का दे रखा है, कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पंजोसिल, पहले तो पोरिफेरेंस का केस है, स्पंजोसिल इज लाइन विथ फ्लैजलेटेड सेल्स, उसका नाम बताना है आपको, फ्लैजलेटेड सेल्स कौन से होते हैं? आज क्लास के शुरुआत में ही ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें मेसवर्क ऑफ सेल्स में ही मैंने आपको बताया कि क्यूनोसाइट्स जो होते हैं वो फ्लैजलेटेड सेल्स होते हैं, इनमें फ्लैजला मौजूद रहती है। ठीक है जी, इसमें फ्लैजला मौजूद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मेटाजेनेसिस, सेलेंटेरेटा से सवाल है। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 मेटाजेनेसिस जानते होंगे बच्चों आप, कुछ मेडुसा और पॉलिप की कहानियां सुनी होंगी आपने, एसेक्सुअल से सेक्सुअल में जाना और सेक्सुअल से एसेक्सुअल में जाना, तो पॉलिप मेडुसा का नाम सुना ही होगा आपने, जैसे पॉलिप से मेडुसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप क्या हो जाएगा? सेक्सुअली। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी। जब इतना आपको अल्टरनेशन मिल रहा है जनरेशन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में, तो यही तो चला जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 Which of the following set of animals belong to the same group? अब देखिए, फाइलम का नाम पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग कौन से एग्जांपल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 35 आंसर कीजिए जल्दी से। Which of the following sets of animals belong to the same group? सेम ग्रुप में कौन लग रहा है?
क्वेश्चन नंबर 35 आराम से आ रहा होगा बच्चों. जैसे देखिए फेलिस है, कैट होता है, कैलट्स है, गार्डन लिजार्ड गलत. एक आपको रिप्टाइल्स मिल रहा है तो एक आपको मैमल्स भी मिल रहा है. रैना एम्फीबियंस में, ग्लेरियास फिशेस में गलत है बिल्कुल पूरी तरीके से. ठीक है, पैवो और हाइला गलत है. बैंगारस और टेस्टुडो देखेंगे तो आपको रेप्टाइल्स में ही चीजें मिल जाएंगी. तो आंसर क्या है? आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड. इंसेक्ट जब इस दुनिया में आए धरती पर तो मेनली कारण क्या रहा इनके डाइवर्सिफिकेशन का? कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंट रोल रहा ही होगा, तो इनका कारण क्या रहा? आप देखिएगा बायलैटरल सिमेट्री का रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. सेगमेंटेशन तो आया था एनलिडा में भी, लेकिन लैंड पे रहे, लेकिन 100% लैंड पे डिपेंडेंसी नहीं है. तो सेगमेंटेशन का होना और लैंड पे रहना दोनों अलग अलग बातें हैं. आइस का होना भी नहीं, एक्सोस्केलेटन, क्योंकि अगर एक्सोस्केलेटन ही हार्ड है आराम से सर्वाइवल पॉसिबल है. तो आंसर चला जाएगा क्या बच्चों? ए चला जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज. आपको उस टैक्सॉन को चूज करना है जो कि बता रहा है मेराइन भी और जो बता रहा है फ्रेश भी, जो बता रहा है मराइन भी और जो बता रहा है फ्रेश भी. अब देखिएगा इसमें इकैंड्रोमेट्स एनसीईआरटी साफ लिखती है एक्सक्लूसिवली मेराइन है. एक्सक्लूसिवली मेराइन कहीं भी रहे समझिएगा 100% मेराइन होता है. टीनोफोर्स की बात करते हैं, टीनोफोर्स भी 100% मेराइन है. सेफेलोकॉर्डेट्स भी 100% मेराइन है. तो आंसर क्या चला जाएगा? निडेरिया. एनसीईआरटी लिखती है ना मोस्टली मेराइन, जनरली मेराइन ये सब टर्म. तो आंसर जाएगा क्या? डी. क्योंकि हाइड्रा को ही देख लीजिए ना इसमें, हाइड्रा कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में. क्वेश्चन नंबर 37 आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 38 वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. बताओ भाई आर्थ्रोपोडा का रिप्रेजेंटेटिव कौन लग रहा है? सब लग रही होंगी, मछलियां ही मछलियां हैं. लेकिन ये क्वेश्चन आ गया आर्थ्रोपोडा में कौन है? ऐसे को कहते हैं बच्चों मिसडोमर. ये सब मछलियां नहीं हैं, ये सब मछलियां नहीं हैं. कोई मोलस्का में आते हैं तो कोई आर्थ्रोपोडा में आते हैं. आंसर क्या चला जाएगा? आंसर जाएगा बच्चों डी, सिल्वर फिश. आपने देखा होगा पुरानी किताबें रखी रहती हैं बहुत सालों पुरानी, आप उसमें सिल्वर फिश देख सकते हैं. तो सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आता है, ना कि ये मोलस्का में आता है. तो आंसर क्या गया बच्चों? डी. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 प्लेनेरिया पजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ. प्लेनेरिया में हाई कैपेसिटी आपको किस चीज की मिलेगी? ये तो क्वेश्चन इतने बार रिपीट हुए, मैं क्या बताऊं इसके बारे में. प्लेनेरिया पजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो प्लेनेरिया में आपको क्या मिलेगा ज्यादा? प्लेनेरिया में रिजनरेशन खूब मिलेगी, बहुत ज्यादा रिजनरेशन देखने को मिलता है, रिजनरेशन की प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम. जल्दी से बताइएगा फाइलम का नाम. फाइलम का नाम कौन सा लग रहा है आपको जो एक फाइलम से ही मिल रहे हैं? सारे एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स एक ही फाइलम के. आपको बहुत सारी चीजें गलत मिल जाएंगी इसमें. जल्दी से बताइएगा बच्चों, जरा जल्दी से. क्या लगता है? जैसे देखिए ना प्रॉन को देखिए आर्थ्रोपोडा में आता है, स्कॉर्पियन को देखिए आर्थ्रोपोडा में आता है, लोकस्ट भी आर्थ्रोपोडा में आता है. तो आंसर तो हमें पहला ही मिल गया. बाकी स्पंज सी एनिमोन है तो अलग चला गया, स्टार फिश भी अलग चला गया, मलेरियल पैरासाइट तो बिल्कुल अलग चला गया, अमीबा अलग ही है, मॉस्क्यूटो अलग ही है, इसमें टेपवर्म अलग है, अर्थवर्म अलग है. देखिए जरा तो आंसर क्या चला जाएगा? ए. ठीक है, 40 सवाल हो चुके हैं, 10 सवाल बस और हैं, आप कर पाएंगे, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके. क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों, वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपसे पूछा गया है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट है. एक और नाम मैं लिख दूं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्टरल सिस्टम भी बोला जाता है.
ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोला जाता है। दो क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग तरीकों से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों की वाटर एम्बुलेक्रल सिस्टम किसमें है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें है, वाटर कैनाल सिस्टम किसमें है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें है। तो चाहे एम्बुलेक्रल की बात करें या वैस्कुलर की बात करें, आंसर जाएगा आपका इकैनोडर्मेटा। लेकिन अगर पूरी फेरा की बात करते तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल देते, इसके बाद इसमें वाटर कैनाल सिस्टम बोल देते, तो ऐसा हमें बोलना होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या दिख रहा है? चार ऑप्शन है आपके पास, तो रेप्टिलिया का कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या दिख रहा है यहां पे ये बताना है जल्दी से। रोज ऐसे क्विजेस होते रहते हैं, एक तो सेशन मेरा जैसे नोट कर लीजिएगा, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को जो मैं सेशन लेता हूं वो रात 11 बजे डीपीपी जहां पे करते हैं सॉल्व हम लोग, और उसके बाद ऐसे सेशन रैंडमली कभी भी हो जाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आपको मिलता रहेगा बच्चों लेटेस्ट अपडेट्स। आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर है आपका डी। देखिए ना, बॉडी कवर्ड किससे है? ड्राई स्किन, कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड का मीन्स खुरदुरा, बॉडी पे बहुत ज्यादा मॉइस्ट नहीं होंगी स्किन, कॉर्निफाइड होंगी, जैसा छिपकली वगैरह का होता है। स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। कभी देखे हो इसमें छिपकली में या सांप में कान लगे हुए हैं, बाहर पिन्ना लगे हुए नहीं होते ना, नहीं होते उसमें। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कई सारे बच्चे बता रहे हैं आंसर, जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाईसेक्सुअल मेंस। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में लाइन बच्चों आपको मिल गया होगा, एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या जाएगा आंसर? आंसर जाएगा डी, मिस्टिनोफोरा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आंसर जाएगा बच्चों क्या? टीनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, अच्छे से कीजिएगा इसे, जीनस नेम टू कैरेक्टर्स और इसके फाइलम नॉट करेक्टली मैच्ड, वेयर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। एक आपको चूज कीजिए जो इनकरेक्ट आपको लग रहा है, इनकरेक्ट कौन लग रहा है इसमें, सोच समझ कर बताइएगा इनकरेक्ट कौन लग रहा है। ठीक है, मैं नीचे से चलता हूं। पेरीप्लैनेटा, जॉइंटेड अपेंडिसेस मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन तो होता ही है, सही है स्टेटमेंट। साइकॉन, पोर बियरिंग पोरिफेरा होता है, अभी हमने देखा वाटर कैनाल सिस्टम है इसमें। एस्ट्रियास, स्टार फेस, सही है। स्पाइनी स्किंड इकैनोडर्मेटा, नाम ही होता है इकैनोडर्मेटा का स्पाइनी स्किंड, अभी देखा हमने वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए, पहला एपलस्टेन बॉडी सेगमेंटेड गालात, क्या होती है अनसेगमेंटेड, तो ये तो आंसर जाएगा नहीं कभी, तो अनसेगमेंटेड यहां पर होगा, तो 44 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 46, 45, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर बच्चों करेक्ट लग रहा है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है जल्दी से बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट क्या लगता है, चूज कीजिएगा जरा यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको कौन लग रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कौन सा लग रहा है बच्चों, सोच समझ कर बताइएगा, जल्दीबाजी नहीं है कुछ। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इंटीनोफोरा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में तो दांत होगी नहीं, जॉ है तो है ही नहीं, और रेडुला इसमें होगा नहीं, तो आंसर क्या चला जाए? कैसे लगा रहे हो, मतलब एक कैसे लगा रहे हो यार, बोलो जरा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, टीनो, इकाइनो, हेमी, ओशामा, टीनो, इकाइनो, हेमी, ओशामा, मैंने कई बार आपको बताया भी है। इसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, कैसा फर्टिलाइजेशन है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो टीनो में तो इंटरनल दे रखा है, तो आंसर गया बी, पढ़ना डॉग फिश में वो लाइन लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम. फीचर आपके सामने लिख रखे हैं, आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन है, किसका फीचर सही में लिखा हुआ है. चलो भाई जल्दी से बताओ. क्या लग रहा है बच्चों आंसर? आंसर देखिए ना, आपको इजी वे में पता चल जाएगा. जैसे देखो ना, टेरोपस है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है टेरोपस. ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस में तो हो जाएगा ओ भी पैरस ना, तो बी भी पैरट ही कैसे है. क्रोकोडाइल है तो चार चैम्बर्ड हो जाएगा ना. अस्कैरिस वगैरह में मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो जब एनालिडा से स्टार्ट हुई थी तो कहां से हो जाएगा. नेक्स्ट आंसर है डी. ठीक है, इजी सा सवाल था बच्चों, ये होते बड़े इजी सवाल हैं. आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आपकी गलतियां बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए. ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास phylum are correctly matched. In which of the following the genus name, its two characters and its class phylum are correctly matched. Correctly matched आपको किस में लग रहा है, ये बताना है बच्चों. ये इसमें बच्चों बोनस है, ये इसमें ये बोनस है. कई सारे मिक्सिंग हो चुकी है इसमें, इसमें बोनस है बच्चों, कई सारा ये मिक्सिंग हो गया है, तो इसको आप बोनस कर लें. ठीक है, आप इसको बच्चों बोनस कर लें. ठीक है, कई सारे मिक्सिंग हो गई है इसमें टोटल, क्योंकि इसके ऑप्शंस उसमें चले गए हैं और उसके ऑप्शंस इसमें चले गए हैं. बोनस कर लें आप. ठीक है, बोनस कर लें आप इसे. चलें लास्ट के दो तीन है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड that serves both as mouth as well as anus is, जिसको बोला जाता है blind sac, बोला जाता है बच्चों blind sac. क्या जाएगा आंसर 48 का? डी चला जाएगा, fasciola platyhelminthes के बारे में जानते हैं आप. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following kinds of animals are triploblastic. इससे इजी सवाल क्या हो सकता है, सोचो जरा. हाँ, अभी बात हुई है इसकी. Which one of the following kinds of animals are triploblastic? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा? आंसर है बच्चों बी, ए. आंसर क्या है? ए, फ्लैट वर्म्स. ठीक है, आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों. उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझसे और कई बेहतर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के टीचर एन अकेडमी प्लस पे, तो आप अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लास्ट के 3 मंथ के लिए, तो आप वैभव लाइव बच्चों कोड यूज कर सकते हैं. अगर ये कोड यूज करते हैं आप और अन अकेडमी पे आते हैं, तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा इस कोड को यूज करने के बाद. और प्लस आप मुझसे लाइव सपोर्ट पे हमेशा रह सकते हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है. आपको कोई भी प्रॉब्लम है अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करने में, आप मुझसे बात कर सकते हैं. तो आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50, आज का आखिरी सवाल, अस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अस्कैरिस में आपको क्या बातें लगती हैं वो यहां बतानी है. अस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाँ जी, तो जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका, जल्दी से बच्चों आंसर आना चाहिए. बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल. क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? जितने बच्चे प्रेजेंट है पहले लाइव, जितने बच्चे लाइव प्रेजेंट हैं जल्दी से बच्चों यहां लाइक कीजिए. प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आंसर है डी. अब मुझे बताइए, जहां तक बच्चों पहली मैंने आपसे बात की थी, अभी तो कई सारे वैसे क्वेश्चन थे लेकिन आज 50 क्वेश्चन का ही टेस्ट था. हाँ जी, मैंने शुरू में आपसे बातें की थी 160 प्लस बच्चों आपके आने चाहिए. देखते हैं किसके कितने मार्क्स आए हैं. फहीम के 190, गजब, नेगेटिव मार्किंग भी थी बच्चों.
निगेटिव मार्किंग कर बताइएगा मुझे। फहीम के 190 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रीति के आ रहे हैं 180 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से। जय ब्रता के आ रहे हैं 195, गजब मुजमदार, गजब। नव्या तिवारी 185, प्रीति 180, पिया कोकी 176, मजुमदार 195, नव्या तिवारी 185, सुभमोए 180, बहुत अच्छा। जयव्रत मजुमदार 195, अमित 180, बहुत अच्छा। अनूर राजपूत 180। देखिए एक चैनल है बच्चों, बिट्स फॉर बायोलॉजी का टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना, बिट्स फॉर बायोलॉजी का टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर कर लीजिएगा ज्वाइन। अनअकैडमी के लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस पे मिलते रहेंगे, कब यहां पर वीडियो आने वाली, सब कुछ, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको अनअकैडमी के अपडेट्स बच्चों मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, और इस पे अनअकैडमी के अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जो घंटी बनी है ना, बस घंटी बजा दो एक बार, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, फिर चलते हैं। और आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और वो भी 50 क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में, ठीक है। तो ये वैभव लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, अनअकैडमी पे कई सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बच्चों, ठीक है। हाँ, कल का टॉपिक बताओ यार, कल का टॉपिक क्या लें। मैं आपसे इस पे टेलीग्राम पे पोल करवा लूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे मैं पोल करवा लूंगा चैप्टर्स के नाम। आप जो बोलिएगा चैप्टर वही लेकर मैं आऊंगा चैप्टर, उसी की प्रैक्टिस सेशन बच्चों हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। फिर मिलते हैं आज रात 8 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।